इंग्लिश स्ट्रक्चर के पार्ट 18 में हम पुनः कुछ महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर को देखेंगे। यह स्ट्रक्चर जो हम लगातार इसको बताते जाएंगे, आपका उस तरह से लैंग्वेज की समझ बढ़ेगी और इसको आप अभ्यास करेंगे बोल कर करके, लिख कर करके। यह बहुत ही आज के मॉडर्न इंग्लिश में स्ट्रक्चर जो है सबसे बेस्ट जो है सो सोर्स है, जिसमें आप तेजी से अपने इंग्लिश के ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इस पर ध्यान रखेंगे, स्ट्रक्चर सबसे अच्छा जरिया है अंग्रेजी सीखने का। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वी वन। ये पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसको हम लेकर के चल रहे हैं एक्टिव रूप में भी और पैसिव रूप में भी। तो आप देखिए, टू प्लस वी वन क्या है? इन्फिनिटिव है। और इन्फिनिटिव के पैसिव में क्या करते हैं? टू में बी लगा करके वर्ब का तीसरा रूप करते हैं। तो दिमाग में पहले रख लें कि सब जितने हम स्ट्रक्चर इस पार्ट में बता रहे हैं सब इन्फिनिटिव वाले हैं, और आपको दोनों में अंतर देखना है, एक्टिव में और पैसिव में। तो पहले आपको दिमाग में रखना है कि एक्टिव मतलब कोई काम करना, एक्टिव का मतलब कोई काम करना सब्जेक्ट के द्वारा स्वयं, सब्जेक्ट के द्वारा स्वयं। अब पैसिव में कोई काम किया जाना, सब्जेक्ट के द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य के द्वारा किया जाना। कोई काम करना एक्टिव, कोई काम किया जाना पैसिव। जैसे पढ़ाना एक्टिव, पढ़ाया जाना पैसिव, मदद करना एक्टिव, मदद किया जाना पैसिव, बुलाना एक्टिव, बुलाया जाना पैसिव। दिमाग में अच्छे तरह से इस फ्रेम को रखें कि एक्टिव और पैसिव के हिंदी में क्या अंतर है। तो बहुत आनंद आएगा, सिर्फ आपको एक्टिव ही याद रखेंगे तो पैसिव भी याद रहेगा। तो हिंदी पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, हिंदी भी बता रहे हैं साथ साथ, इसको ध्यान रखें। तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस टू प्लस वी वन, अगर टू प्लस वी वन है तो एक्टिव है, और टू बी प्लस वी थ्री है तो वह पैसिव रूप है। जैसे ही इज टू हेल्प अस, वह हम लोगों को मदद करने वाला है या मदद करने को है। कोई काम करने वाला है या कोई काम करने को है, को हम इस तरह से इज आर एम प्लस टू प्लस वी वन से बनाते हैं। तो ही इज टू कम हियर, वह यहाँ आने वाला है। राम इज टू लर्न इंग्लिश, राम अंग्रेजी सीखने वाला है या सीखने को है। अब पैसिव में देखें, ही इज टू बी हेल्प्ड, वह मदद किए जाने वाला है या मदद किए जाने को है। अब ही जो है यही मदद किया जाएगा किसी के द्वारा। तो टू हेल्प मतलब मदद करना, टू बी हेल्प्ड मतलब मदद किया जाना। राम इज टू बी पनिश्ड पैसिव है, राम दंडित किए जाने को है या किए जाने वाला है किसी के द्वारा। तो हिंदी में आप देखें, कोई काम करने वाला है या करने को है एक्टिव, मदद किए जाने वाला है या मदद किए जाने को है पैसिव। अगला स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस अबाउट प्लस टू प्लस वी वन एक्टिव, और टू बी प्लस वी थ्री है तो पैसिव। जैसे ही इज अबाउट टू बीट राहुल, वह राहुल को पीटने ही वाला है, पीटने ही वाला है मतलब सीधे। अबाउट का मतलब यहां पर आपको बता रहा है कि करीब, मतलब कोई काम होने के करीब है। राम इज अबाउट टू कम, राम आने ही वाला है। द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, ट्रेन पहुंचने ही वाली है, पहुंचने ही वाली है। द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, रोगी मरने ही वाला है। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने ही वाली है। द टीचर इज अबाउट टू कम इन द क्लास, द टीचर इज अबाउट टू कम इन द क्लास, शिक्षक वर्ग में आने ही वाले हैं, मतलब शीघ्र आ जाएंगे, शीघ्र वो आएंगे। अब पैसिव में देखिए, राहुल इज अबाउट टू बी बीटेन, पैसिव में टू प्लस बी प्लस बी थ्री, राहुल पिटाने ही वाला है। राहुल इज अबाउट टू बी हेल्प्ड, राहुल मदद किए जाने ही वाला है।
तो कोई काम अब जल्दी किया जाएगा। तो यहाँ पर राहुल इज अबाउट टू बी बीटन, ये पैसिव वॉइस में हुआ। तो राहुल पिटाए जाने वाला ही है, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर, इस इजारम का वाज वेयर सिर्फ हो गया है, तो वाला है कि वाला था हो जाएगा। तो वाज वेयर प्लस टू प्लस बी वन पैसिव में, टू प्लस बी प्लस बी थ्री, ही वाज टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट, वह पहली फ्लाइट पकड़ने वाला था या पकड़ने को था। राम वाज टू कम, राम आने वाला था या आने को था। द ट्रेन वाज टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने वाली थी या खुलने को थी। द टीचर वाज टू कम, शिक्षक आने वाले थे या आने को थे। ये तो एक्टिव में हो गया। पैसिव में देखिए, सी वाज टू बी पनिश्ड, वह दंडित किए जाने वाली थी या दंडित किए जाने को थी। राम वाज अबाउट टू बी बीटेन, राम पिटाने वाला था या पिटाने को था। आई वाज टू बी इन्फॉर्म्ड, मैं सूचित किए जाने वाला था या सूचित किए जाने को था। पैसिव में हो गया, तो आई वाज टू बी इन्फॉर्म्ड, टू बी इन्फॉर्म्ड पैसिव हो गया। आई वॉज टू इन्फॉर्म, आई वॉज टू बी इन्फॉर्म्ड, दोनों में अंतर देखिए। आई वॉज टू इन्फॉर्म, मैं खबर करने वाला था या मैं खबर करने को था। लेकिन आई वॉज टू बी इन्फॉर्म्ड, मैं खबर किए जाने ही वाला था, मैं ही खबर किए जाने वाला था, ठीक है। अगला स्ट्रक्चर है वाज वेयर प्लस अबाउट, अबाउट जो है सो करीब बताएगा, प्लस टू प्लस भी वन अ पैसिव, टू बी प्लस भी थ्री। द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने ही वाली थी। द टीचर वाज अबाउट टू कम, शिक्षक आने ही वाले थे। आई वाज अबाउट टू इन्फॉर्म हिम, मैं उन्हें खबर करने ही वाला था। अब पैसे में देखिए, सी वाज अबाउट टू बी इन्फॉर्म्ड, वह सूचित किए जाने ही वाली थी किसी के द्वारा। सी वाज अबाउट टू बी हेल्प, वह मदद किए जाने ही वाली थी। आई वाज अबाउट टू बी इन्वाइटेड, मैं आमंत्रित किए ही जाने वाला था। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस टू प्लस भी वन एक्टिव और टू बी प्लस भी थ्री पैसिव। अब देखिए फ्यूचर में है, तो सी विल बी टू कम हियर, वह आने वाली होगी या आने को होगी। द टीचर विल बी टू कम इन द क्लास, शिक्षक वर्ग में आने वाले होंगे या आने को होंगे। यू विल बी टू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखने वाले होगे या अंग्रेजी सीखने को होगे। ये तो एक्टिव हो गया। अब पैसिव में देखिए, दे विल बी टू बी हेल्प्ड, टू बी हेल्प्ड, वे लोग मदद किए जाने वाले होंगे या मदद किए जाने को होंगे किसी के द्वारा। यू विल बी टू बी यू विल बी टू बी इन्फॉर्म्ड, तुम खबर किए जाने वाले होगे या खबर किए जाने को होगे। राम विल बी टू बी पनिश्ड, राम दंडित किए जाने को होगा या दंडित किए जाने वाला होगा किसी के द्वारा पैसिव में। तो आपको यही समझना है कि एक्टिव में है तो टू प्लस भी वन, और पैसिव में है तो टू बी प्लस भी। अगला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, सिर्फ इसी इसी स्ट्रक्चर में आपको अबाउट जोड़ करके लाए हैं, टू प्लस भी वन और पैसिव, टू बी प्लस भी थ्री। तो अबाउट क्या बताएगा, कोई काम की शीघ्रता, मतलब तुरंत कार्य होने वाला जो हो वह होगा।
ही विल बी अबाउट टू गो, वह जाने ही वाला होगा। द टीचर विल बी अबाउट टू कम, शिक्षक आने ही वाले होंगे। द ट्रेन विल बी अबाउट टू स्टार्ट, ट्रेन खुलने ही वाली होगी। अब पैसिव में देखिए, सी विल बी अबाउट टू बी हेल्प, वह मदद किए जाने ही वाली होगी। ठीक है, ही विल बी अबाउट टू बी पनिश्ड, वह दंडित किए ही जाने वाला होगा, मतलब शीघ्र। ही विल बी अबाउट टू बी इन्फॉर्म्ड, वह खबर किए ही जाने वाला होगा, वह खबर किए ही जाने वाला होगा किसी के द्वारा। अब अगला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, पास्ट में रहेगा तो हैड, फ्यूचर में रहेगा तो विल या शैल हैव, एक्टिव में है तो टू प्लस भी वन, पैसिव में है तो टू बी प्लस भी थ्री। अब देखिए एग्जाम्पल, ही हैज टू लर्न इंग्लिश, हैज हैव प्रेजेंट में। ये बहुत स्ट्रक्चर, इसको बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। वह उसे अंग्रेजी सीखना है, सीखना है या सीखना ही है, या बाध्यता है, इसमें बाध्यता, सीखना पड़ता है, सीखना पड़ता है चाहे आपकी इच्छा हो या नहीं हो। ही हैज टू लर्न इंग्लिश। अब देखिए एक्टिव में था, अब देखिए ही हैज टू बी पनिश्ड, पैसिव में हो गया तो उसे दंडित किया जाना पड़ता है या उसे दंडित किया जाना है। राम हैज टू बी बीटेन, राम को पिटाया जाना है किसी के द्वारा। ही हैज टू बी हेल्प्ड, उसे मदद किया जाना है, किया जाना ही है या किया जाना पड़ता है। तो पैसिव में हो गया तो क्या हो गया, दंडित किया जाना है या किया जाना पड़ता है या किया जाना ही है, किया जाना, दंडित किया जाना है, दंडित किया जाना पड़ता है, दंडित किया जाना ही। तो ये एक्टिव और पैसिव हो गया। इस तरह के वाक्य को और आप कर सकते हैं। यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तुम्हें अपनी अंग्रेजी सुधारनी है। राम हैज टू कम हियर, राम को यहाँ आना है या आना ही है या आना पड़ता है। राम हैज टू बी हेल्प्ड, पैसिव में हो गया, राम को मदद किया जाना है, मदद किया जाना ही है, मदद किया जाना पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए हैड है, हैज है जगह पर हैड आ गया, जैसे ही हैड टू गो देयर, हैड टू गो एक्टिव में है तो उसे वहां जाना था या जाना ही था या जाना पड़ता था या जाना पड़ा था।
सारी हिंदी जो आ रहा है इसको ध्यान रखेंगे, उसको हैड टू से बनाते हैं। कैसे वाक्य को? कोई काम करना था, कोई काम करना ही था, कोई काम करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ा, या कोई काम करना पड़ा था। ही हैड टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना था, उसे अंग्रेजी सीखना ही था, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ता था, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ा, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ा था। ये सारी हिंदी आएगी उसमें। अब पैसिव में ही हैड टू बी हेल्प्ड आ गया पैसिव। जाना ही होगा, जाना ही होगा, या जाना ही पड़ेगा। जाना होगा या जाना ही होगा, जाना पड़ेगा या जाना ही पड़ेगा। रिएक्टिव में है, ही विल हैव टू गो, यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना होगा, या सीखना पड़ेगा, या सीखना ही होगा, या सीखना ही पड़ेगा। ये तो एक्टिव फॉर्म में हो गया। पैसिव में क्या हो जाएगा? ही विल हैव टू बी हेल्प्ड। तो आप इसी से हिंदी कर लेंगे। ई में करना होगा, इसमें पैसिव में किया जाना, उसे मदद किया जाना होगा, उसे मदद किया जाना पड़ेगा, उसे मदद किया जाना ही होगा, उसे मदद किया जाना ही पड़ेगा। पैसिव में हो गया। राम विल हैव टू बी बीटेन, पैसिव में है। राम विल हैव टू बी बीटेन, राम को पीटा जाना होगा, राम को पीटा जाना पड़ेगा, राम को पीटा जाना ही होगा, या राम को पीटा जाना ही पड़ेगा।
हुआ। प्रार्थना पढ़ रहा हो गया, पढ़ रहा था। शी वॉज हैविंग टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ रहा था। दे वेयर हैविंग टू कम हियर, उन लोगों को यहां आना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू सेल माई काउ, मुझे अपनी गाय बेचनी पड़ रही थी। पैसे का अभाव हो गया था, बाध्यता थी। अब इसका पैसिव फॉर्म देखें, शी वॉज हैविंग टू बी हेल्प्ड, पैसिव हो गया। हिंदी तो पढ़ रहा था ही आएगा, लेकिन करना नहीं बल्कि किया जाना पैसिव में, तो उसे मदद किया जाना पड़ रहा था। ठीक है, फ्यूचर में देखें, आई वॉज हैविंग टू बी बीटेन, मुझे पीटा जाना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू बी पनिश्ड, मुझे दंडित किया जाना पड़ रहा था। विल बी हैविंग, फ्यूचर में देखें,
आपका हो गया एक्टिव, और टू बी प्लस बी थ्री हो गया आपका पैसिव। तो इस वाक्य के अर्थ को भी आप समझेंगे। ये टोटल इंफिनिटी वाला वाक्य को हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल लीजिए, ही मे हैव टू गो देयर, ये माने सकता है से संभावना, तो उसे वहां जाना पड़ सकता है। तो मे भी लिख सकते हैं, माइट भी लिख सकते हैं, दोनों से संभावना होता है, पढ़ सकता है, खाली परसेंटेज में अंतर हो जाता है। हिंदी वही होगा, कोई काम करना पड़ सकता है। यू मे हैव टू लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना पड़ सकता है। राम मे हैव टू कम हियर, राम को यहां आना पड़ सकता है। दे मे हैव टू गो देयर, उन लोगों को वहां जाना पड़ सकता है, जाना कोई काम करना स्वयं पड़ सकता है एक्टिव में। अब देखिए इसका पैसिव अगर हम लेते हैं तो ही मे अगला है वुड। ही वुड हैव टू कम हियर। अब इसका हिंदी देखिए, वुड हैव टू कम हियर एक्टिव में है, तो उसे यहां आना पड़ता, पड़ता कोई काम करना पड़ता।
रहे हैं, कोई काम करना पड़ता। तो वुड हैव टू का मतलब हुआ कोई काम करना पड़ता, लेकिन पड़ा नहीं। यूड हैव टू हेल्प देम, तुम्हें उन लोगों की मदद करनी पड़ती। राम वुड हैव टू गो देयर, राम को वहां जाना पड़ता है, कोई काम करना पड़ता। अब इसको पैसिव में ले लीजिए, ही वुड हैव टू बी पनिश्ड, उसे दंडित, पैसिव में है, दंडित किया जाना पड़ता। किया जाना पैसिव में है, किया जाना पड़ता। भीतरी कोई काम किया जाना अवश्य पड़ता, ठीक है। तो आपने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण इन्फिनिटिव का किस तरह से अंग्रेजी बनाते हैं, एक्टिव में और पैसिव में। तो इन्फिनिटिव में बिल्कुल आसान है, अगर वाक्य एक्टिव में है, मतलब कोई काम करना सब्जेक्ट को खुद करना है, तो उसमें टू प्लस भी वन, और कोई काम किया जाना अगर पड़ता है पैसिव में, तो सिर्फ टू प्लस भी वन को पैसिव में बना दें, टू प्लस बी प्लस भी थ्री। तो इस तरह से आपका जो इन्फिनिटिव के आधार पर जो आप एक्टिव पैसिव देख रहे थे, यह यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है, ठीक है, धन्यवाद।